हाय फ्रेंड्स, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान, वास्तु बैलेंसिंग, वास्तु प्रोग्रेशन, हार्मोनाइजिंग, एनर्जाइजिंग, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ड्स, बट वन वाइटल लिंक इज मिसिंग, जिसके वजह से वास्तु का एनर्जाइजिंग या वास्तु कंसल्टिंग इटसेल्फ बिकम्स फ्लैट, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इन शॉर्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी बिकॉज वन वाइटल लिंक और पजल इज मिसिंग एंड दैट इज यू, दैट इज यू माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज यू। आपका घर, आपका मकान, आपका दुकान, आपका बिजनेस, आपकी फैक्ट्री और वास्तु करेक्शन में आप ही मिसिंग हो। बियर्ड, आइए देखते हैं एक एंशिएंट पिक्चर जो कि जनरली सारे वास्तु एस्ट्रोलॉजर्स आपको दिखाते हैं या उनके वॉल्स में या उनके ऑफिसेस में कहीं भी आप देखोगे। ये एक अजीबोगरीब से एक योगिक पोस्चर में वास्तु पुरुष है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देने वाला है। ये है कौन? Who is he? ये सिंबॉलिक किसके लिए है? दोस्तों, अगर इस चीज को डिकोड नहीं किया किसी एस्ट्रोलॉजर ने तो एक जेनेरिक, एक बेकार सा टर्म जो किसी के काम नहीं आता, उसको आधारित करके आपका वास्तु करेक्शन, आपके ऑफिसर्स का वास्तु करेक्शन, आपके बिजनेस का वास्तु करेक्शन कर देता है, लेकिन एक ढेले भर का प्रॉफिट आपको नहीं होता। और होता भी है तो प्योर कोइंसिडेंस है दोस्तों। अगर आपको प्रॉफिट लेना है वास्तु से तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा दोस्तों, ये वास्तु पुरुष इज नथिंग बट यू। यस, आपके बिना कोई भी वास्तु कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं, चाहे वो साउथ इंडियन मंदिर हो, नॉर्थ इंडियन मंदिर हो, वो सभी के सभी वास्तु कंप्लायंट हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द किंग हु हैव बिल्ट देम। जैसे कि ये हमारा पुराना संसद, नया संसद भी किसी ना किसी के कुंडली को आधारित करके बनाया गया है। और आपका भी बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल होगा जब आप पे आधारित करके हम वास्तु करेक्शन करेंगे। और इसका सोल्यूशन सिर्फ एकमात्र टेक्निक में है जो कि अगेन एंशिएंट है, लेकिन आई डोंट थिंक एनीबडी इन यूट्यूब एटलीस्ट और डिजिटल मीडिया नोज इट, आई डोंट थिंक सो, एंड दैट इज वास्तु होरा, द टेक्निक ऑफ वास्तु होरा। What is वास्तु होरा? वास्तु के टेक्निक्स के प्रिंसिपल्स कंबाइंड विद योर कुंडली, कंबाइंड विद योर कुंडली, एंड दैट बिकम्स एन सुपर डुपर इफेक्टिव वास्तु एनर्जाइजिंग, हार्मोनाइजिंग, कंसल्टिंग प्रोसेस। आपके अलावा आपका वास्तु अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए एक डिक्शनरी खोलकर वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, ना आपका ग्रामर दे रहा है, ना आपकी स्टोरी बता रहा है। इंटरेस्टिंग, सोचा है आपने इस बारे में कभी? एक फ्री का टिप और दे रहा हूं दोस्तों, अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर पूछिएगा कि आप वास्तु तो कर रहे हो, कैन मी टेल मी अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ माई केतु। दोस्तों, केतु को नहीं ठीक करेंगे वास्तु ठीक नहीं हो सकता। शनिवत राहु, मंगलवत या कुजावत केतु, कुजा का डायरेक्ट यानी मार्स, यानी आपका फैक्ट्री, आपका घर डायरेक्ट रिलेटेड है केतु से। फ्री टिप दे रहा हूं दोस्तों, आगे देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं। बाय बाय।